टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सर, मुमरा शहर की जरूरतों को देखते हुए तीसरे और चौथे प्लेटफॉर्म का काम और साथ ही देख रहे हैं कि आप इसका सर्वे करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो सर आपने क्या सर्वे यहाँ पर किया है और कब तक शहर को ये सौगात मिल जाएगी? ये जो काम है वो फिफ्थ और सिक्स लाइन, ये जो पांचवी और छठी लाइन जो है वो बहुत सालों से पेंडिंग विषय जो है ये कल्याण लोकसभा का है, जिसमें थाने और दीवा के बीच में जो है पांचवी छठी लाइन डालने का काम जो है वो रेलवे के माध्यम से यहाँ पर हो रहा है। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर रेलवे के सेंट्रल रेलवे के DRM साहब शलभ गोयल जी खुद उपस्थित है, उसी के साथ में MRVC के ED एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हमारे वाडेकर साहब है, मिलाजी वाडेकर, जो ये इनके नेतृत्व में ये सब काम जो है MRVC के माध्यम से यहाँ पर चल रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था 2007-2008 में, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो हुई 2016 और 2015 के करीब। तो आज हम सभी के लिए ये जो जहाँ पर इस कल्याण लोकसभा में हो या थाने लोकसभा में, सभी के लिए बहुत आनंद का माहौल है कि ये जो पांचवी छठी लाइन बहुत सालों से लोग उसका वेट कर रहे थे, इंतजार कि ये पांचवी छठी लाइन कब होगी। तो अभी ये पांचवी छठी लाइन जो है हो रही है, आज मेगा ब्लॉक लिया है 24 घंटे का, बड़े बड़े काम जो है वो गए 3 मेगा ब्लॉक में इस पांचवी छठी लाइन के, ट्रैक लेने का काम हो, ट्रैक अलाइनमेंट का काम हो। अभी हम जिस ब्रिज के नीचे खड़े हैं वो जो ब्रिज है ये खाड़ी के बगल में से ये ब्रिज जाता है, और ये जब भी ब्रिज जब भी अलाइनमेंट की थी तभी पहले पुरानी अलाइनमेंट थी, ओरिजिनल वो अलग थी, फिर बाद में इसमें अलाइनमेंट बदल कर ये ब्रिज बनाया गया, और अभी आज इसके ऊपर ही ब्रिज के ऊपर जो है वो लोकोमोटिव है, डीजल लोकोमोटिव इंजन है वहाँ पर। ये ब्रिज का जो ये स्पैन है मेटल का जो गर्डर है उसका कितना उसमें डिफ्लेक्शन आता है, क्या आता है, वो टेस्टिंग ऊपर चल रहा है सर। तो ओवरऑल ये पांचवी और छठी लाइन जो है आने वाले 9 से 10 फरवरी तक, मतलब मिड फरवरी तक ये शुरू करने का जो है काम जो है वो MRVC का है, उन्होंने वो डेडलाइन रखी है। तो जल्द से जल्द मुझे लगता है कि जो काम वॉर फुटिंग पर गए कई सालों से अभी चल रहा है, तो अभी लोगों की भी जो दिक्कत थी और लोगों का जो इंतज़ार था वो अभी लोगों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। मिड फरवरी तक जो है वो ये पांचवी और छठी लाइन शुरू हो जाएगी, और ये जो अभी नया स्पैन है, ये नया ब्रिज है, टोटल हमारा स्पैन है 9.5 किलोमीटर का, उसमें से ब्रिज 4.5 किलोमीटर का, मतलब ये नई लाइन ले की है। तो उससे जो है ये जो है मुझे लगता है कि कल से शुरू हो जाएगी सर इसके ऊपर दौड़ना। छठी लाइन सबसे सबसे महत्व का विषय है इसके अंदर कि ये जब लाइन ले करेंगे, ये नई लाइन है, नया ब्रिज है, नई लाइन अभी ले की है, उसके ऊपर टेस्टिंग शुरू है। तो जब भी अभी धीरे धीरे पहले जब जिस लोकल स्पीड से दौड़ती है पुराने लाइन पे, वो दौड़ती है 105 के स्पीड पे, 100 के स्पीड पे, तो ये जब शुरू होगी तो ये दौड़ेगी 30 के स्पीड पे सबसे स्टार्टिंग पे, फिर 50 के स्पीड पे, फिर 70 के स्पीड पे, फिर धीरे धीरे वो ओरिजिनल स्पीड पर। तो मुझे लोगों को भी कहना है कि लोगों का जो ट्रेन का टाइम टेबल है वो थोड़ा शेड्यूल जो है ऊपर नीचे होने वाला है, लेकिन ये जो है अभी ख़त्म होने वाला है पांचवा छठा लाइन। तो लोगों से भी मैं विनती करता हूँ कि आज तक आपने जो हौसला रखा है वो आने वाले समय में कुछ हफ्तों के लिए आपको और रखना है, उसके बाद जो है वो पांचवी छठी लाइन पूरी तरह से शुरू हो जाएगी, और कई गाड़ियां जो है रेलवे की कई गाड़ियां, मतलब मुझे लगता है कि 40 से 50 सर्विसेज जो है इस पांचवी और छठी लाइन की वजह से बढ़ने वाले। जिस तरह पांचवी छठी लाइन तो बन गई है, लेकिन मुमरा में कहीं ना कहीं एक्सीलेटर का मुद्दा जो है अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। एस्केलेटर का भी सब जगह पर, सभी रेलवे स्टेशनों पर एस्केलेटर्स हमने बिठाए हैं, FOB हमने बिठाए हैं, लिफ्ट्स बिठाए हैं, टॉयलेट्स बिठाए हैं। मैंने DRM साहब को भी कहा है इस मुमरा के एस्केलेटर के बारे में, तो मुझे लगता है कि वो भी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। सर, मीडिया में खबरें आ रही थी, पिछले महीने हमने खबर देखी थी कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इस काम को थोड़ा डिले कर दिया गया, आपने कहा अभी फरवरी मिड में होगा, और अभी देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन वायरस और दूसरा लॉकडाउन को लेकर अफवाहें चल रही है, गर्दिशें चल रही है, तो सर आगे और भी एक्सटेंड हो सकता है काम मार्च
ये आगे जा सकता है? नहीं, ये फरवरी तक खत्म हो जाएगा। ओमाइक्रॉन है, कोविड है, कोविड दो साल से है हमारे पास, लेकिन कोविड के होने के बावजूद रेलवे ने अपना काम रोका नहीं है। रेलवे ने अपना काम पूरे जोरों शोरों से शुरू रखा है, तो वो जो काम है रेलवे का वो चलता ही रहेगा। और मिड फरवरी तक मुझे लगता है कि ये पांचवी छठी लाइन जो कई सालों से लोग इंतजार कर रहे थे वो शुरू हो जाएगी। सर, दिवा के मुकाबले में काफी लेट हुआ है मुमरा शहर में काम, क्योंकि दिवा में एक आंदोलन हुआ था काफी, उसको लेकर तो रेलवे में क्यों देरी हो रही है सर शहर को मिलने की, मुमरा को? मुझे लगता है कि अभी एक समाधान व्यक्त करना चाहिए कि इतने सालों के बाद रेलवे के काम जो है वो रेलवे के काम इस कल्याण लोकसभा में हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। सभी इतने सालों से पेंडिंग विषय जो है वो आज खत्म हो रहे हैं। पांचवी छठी लाइन में तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ जी, हाँ मेरे बचपन से। सर, एट द एंड सर, चलिए अभी रेलवे इस चीज को लेकर बंद है, ट्रेनें बंद है, तो बस की सुविधा है सर क्यों, जो कि जेब से लोगों के, आम आदमी की जेब से दूर है, उनकी कैपेसिटी से बाहर, तो क्या सर वो पूरी तरह है मुहैया है लोगों को? बस जो है आप अगर देखोगे तो आज का ये जो है वो तीसरा मेगा ब्लॉक है, बरोबर तीसरा मेगा ब्लॉक है। इसके पहले दो मेगा ब्लॉक 24-24 घंटे के हो चुके हैं, और वो 24 घंटे के मेगा ब्लॉक में किसी के ने कोई शिकायत जो की नहीं है। क्यों नहीं की? क्योंकि TMT ने, हमारे TMT के जो सभापति है विलास जोशी जी यहाँ पर उपस्थित है, हमारे व्यवस्थापक यहाँ पर उपस्थित है, ये जो है दोनों मेगा ब्लॉक के दिन पर सुबह 6 बजे से साटिस पर जहाँ से बस छूटती है वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, और लोगों को कोई दिक्कत आई नहीं, लोगों को कुछ भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसके वजह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बस सेवा जो है वो इस रूट पर शुरू रखते हैं। मुझे लगता है कि 11 बजे तक हमने 68 से 70 बसेस जो है इस रूट पर हमने चलाई है, मतलब कई बसों ने तो दो दो राउंड जो है वो कंप्लीट किए, तो कहीं पर भी दिक्कत लोगों को नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम लोग TMT की ओर से, TMC की ओर से भी प्रयास कर रहे हैं। सर आगे और कितने मेगा ब्लॉक रह गए? आगे और 3 मेगा ब्लॉक जो है, आने वाले हफ्ते में 1 मेगा ब्लॉक रहेगा, फिर 2 हफ्ते की छुट्टी रहेगी, फिर उसके बाद में 2 मेगा ब्लॉक, 6 तारीख तक, 6 फरवरी तक मेगा ब्लॉक रहेगा, और 6 फरवरी के बाद अंतिम मेगा ब्लॉक के बाद ये जो पांचवी छठी लाइन जो है वो पूरी तरह शुरू हो जाएगी, जिससे स्लो लोकल्स के लिए अलग 2 लाइन, फास्ट लोकल्स के लिए अलग 2 लाइन, और एक्सप्रेस के लिए अलग 2 लाइन, जो हमेशा क्रॉसिंग होती है, एक्सप्रेस आने के बाद लोकल को रुकना पड़ता है, लोकल आने के बाद एक्सप्रेस को रुकना पड़ता है, ये भविष्य में सभी चीज़ें बंद हो जाएगी, रेलवे सेवा जो है शटल सर्विस के मुताबिक जो है शुरू रहेगी।